नमस्ते इंडिया। मेरा आज आप लोगों के सामने आने का ये मकसद है क्योंकि आज सुबह से हम सब यहाँ पे बहुत डिस्टर्ब है। जिस तरीके का न्यूज हमारे पापोन सर के लिए आ रहे हैं, लाइक उसको लेके हम बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब थे। जब देखा कि इस तरीके का न्यूज जब हमने देखा तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगा, मुझे पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे ऊपर बीत रही है। और वो कैसा पापोन सर कैसे हैं वो मुझे पता है, और सारे पेरेंट्स आज हम सारे पेरेंट्स यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं उनके सपोर्ट के लिए कि जिस जो उनके बारे में बोला जा रहा है, जो न्यूज आ रही है उनके बारे में। मैंने भी कुछ कमेंट्स लिखे लोगों को, बट दुनिया में इंडिया में इतने लोग हैं, मैं सबको नहीं समझा पाऊंगा। तो ये एक मेरा जरिया है इस तरीके से कि आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड लाइक दिस। सो लाइक मेरा जो पापोन सर के बारे में मेरा जो थॉट है, मैं लिख चुका हूँ फेसबुक में भी उनके बारे में कि मैंने पर्सनली मैं उनके बारे में ये बोल रहा हूँ कि मैंने उन पापोन सर जैसे बंदे को अभी तक नहीं मिला हूँ। ही इज सच अ ग्रेट पर्सन, नाइस पर्सन, वो दिल के बहुत अच्छे हैं, हमारे बच्चों से वो बहुत प्यार करते हैं, और जब भी यहाँ आते हैं हमारे बच्चे खेलते हैं उनके साथ। तो एक पेरेंट्स है यार, हमको पता है कौन किसका क्या नजरिया है, और हमें अभी कभी पापोन सर के बारे में ऐसा नहीं सोचा है ना, वो ऐसा है, अच्छा लगता है हमारे बच्चे उनके साथ खेलते हैं, हमारे बच्चे उनको पसंद करते हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज हाथ जोड़ के कि गलत बात को आगे बढ़ावा ना दें, सही चीज क्या है वो समझे आप। बाकी आप सारे मानिशी भी है यहाँ पे, उनके पेरेंट्स भी है, श्रुति है। इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये न्यूज शुरू हुआ है हमारे वहाँ असम से, विच इज सो डिस्ग्रेसफुल, वहाँ की लोगों की जो ये सोच है। इसीलिए हम लोग सब इकट्ठा है सबको बोलने के लिए कि ये जो वीडियो ऐसे मतलब स्प्रेड हुआ है, इसका गलत मतलब मत निकालिए, बिकॉज वी ऑल वे देयर ऑन द स्पॉट, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, और इतना अच्छा सा जो गुरु शिष्य का रिलेशन है उसे खराब प्लीज मत कीजिएगा। एंड मतलब हम लोग सब यही बोलना चाहते हैं कि आप लोग भी थोड़ा सोचिए इसके बारे में कि जो हो रहा है क्या सही हो रहा है। आपने कभी मानसी से पूछा या उनके पेरेंट्स से पूछा कि जो न्यूज है वो सही है या गलत? और किसी के ऊपर जब आप ब्लेम करते हैं, ये हमेशा याद रखिए कि बाकी की तीन जो उंगली है वो हमेशा अपने तरफ, तो आप क्या कर रहे हैं पहले वो सोचिए। एंड एक चीज और, हम बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे इस चीज में, हमने इस चीज को बच्चे से छुपा के रखा, बट आज मेरी बेटी को मुझे पूछना पड़ा कि तुझे कुछ पता है, तो उन्होंने मुझे, उसने बोला, उसके पास आईपैड है, वो गाना सुनती है, तो उसने, उसके आंखों में आंसू थे, उन्होंने बोला कि मैंने सुना पापा ये बहुत गलत हो रहा है, आप यू वांट टू से समथिंग टू कहना। एक्चुअली हम सब बच्चे उधर थे, हम सब लोगों ने देखा था हुआ क्या था, हम बस मस्ती कर रहे थे, अपना लाइव वीडियो एंजॉय कर रहे थे, और पापा सर भी हमारे साथ थे, हम लोगों ने बहुत मजे करे एक्चुअली, और ऐसा कुछ हुआ नहीं था। मानसी भी है यहाँ पे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था, अगर होता तो मैं मानसी पक्का बताती आप सबको, और उनके पेरेंट्स भी है वो भी बता सकते थे आपको। तो फिर ये सब झूठ है, एंड प्लीज 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 ये प्लीज मतलब मत करिए ऐसी चीजें प्लीज। আমি মানো কি দেউতাক মাক আছো, আসলতে সেইদিনাখন ঘটনাটোৰ হেৰিত আমি স্পটত আছিলোঁ, মানো কি মাক আছে, দেউতাক মই, দেউতাক ময়ো আছো। আচলতে এইটো এনেকুৱা এটা ঘটনা হোৱাৰ কাৰণে আমি আচলতে বহুত লজ্জিত, কাৰণ অসমৰ পৰাই এই বস্তুটো সৃষ্টি হৈছে, কাৰণ তাত কিবা এটা ঘটনা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে সুধিব লাগিছিল মানো কি দেউতাক মাক, বা মানো কি সুধি পেলাই বস্তুটো মানে উলিয়াই দিব লাগিছিল, কিন্তু ছ'চিয়েল মিডিয়াত এনেকুৱাভাৱে মানে হেৰি কৰি দিলে, বস্তুটো বিস্ফোৰণ কৰি দিলে যে বস্তুটো তাত কোনো ধৰণৰ সত্যতা নোহোৱাকৈ বস্তুটো মানে ব্লাষ্ট কৰি দিছে। কিন্তু এইটো বৰ আচলতে বৰ লজ্জাজনক কথা, বহুত লাজ পাইছোঁ। পাপন ছাৰ আচলতে বহুত ভাল মানুহ, পাপন ছাৰৰ বিপক্ষে এনেকুৱা কোৱাটো আচলতে আমি বহুত দুখ পাইছোঁ, কাৰণ পাপন ছাৰ আৰু মানসী গুৰু শিষ্যৰ মাজত এনেকুৱা এটা মানে ব্লেম দিয়াটো আচলতে বহুত লজ্জাজনক, বহুতো লাজ লগা, এনেকুৱা হ'ব লগা নাছিলে, কিন্তু এনেকুৱা যাতে ভৱিষ্যত নহয় আৰু এটা ভুল বাতৰি যাতে প্ৰচাৰ নকৰে তাৰ কাৰণে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ।
সাধারণ কথা মানসী ইয়ার পর যার পিছন সকলে তাই কিস করব সকলে মরম করব সাধারণ কথা এইটুলে ইমান ডর কথা করবা নাছিলে আসলে নমস্কার মানে মানসী মাক ময়ো এটাই কব বিচাৰিছো যে পাপন স্যারের সকল লড়াছালীকে নিজের লড়াছালীর নিচি ভাবে আর বহুত ধুনিয়াকে শিকায় বহুত ধুনিয়া মরম করে আর ইয়ার মাজত আপনার আমি সেই মুহূর্তে উপস্থিত আসিল আর এনেকা একটা মিছা কথা মিছা হেৰি আসলতে হবলগা নাছিলে প্রচার হবলগা নাছিলে আসলতে আপনাদের কোয়ার আগত ইয়াতে আমাক সুধিব লাগিছিল যে এই কথা সত্য দে সত্য মানসীকো সুধিব লাগিছিল আমাকো সুধিব লাগিছিল আসলতে মই আপনার অনুরোধ করেছো যাতে এনেকুয়া আর ভুল বাতরি প্রচার নকরে বাপেক মাক স্বয়ং উপস্থিত থাকার পিছন কোনোবাই কেস দিব এইটো বড় ডাঙৰ কথা ये बहुत गलत है कि पैपॉन सर के ऊपर ऐसा एलिगेशन लगाया गया है क्योंकि जितने सारे बच्चे यहाँ पर उनसे मतलब उनसे के सारे कोचेस हैं बट उनसे इतना अटैच्ड हैं कि एक्सप्रेस करना मुश्किल है आज कि उनके साथ जो हो रहा है दैट्स वेरी नॉट एबल टू डाइजेस्ट दैट थिंग वो कोई डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है वो बात पर जो हुआ वो गलत हुआ वो एलिगेशन गलत लगाया गया बहुत गलत लगाया गया तो आप लोग प्लीज 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 ये एलिगेशन उन पर ना लगाएं और मेरे ख्याल से इससे बड़ी सबूत हम सब छह कंटेस्टेंट है इस शो में और सबके सब कंटेस्टेंट बैठे हुए हम ना चाहते हुए अपने बच्चे को लेके आए हैं हम खुद ही क्योंकि हम खुद नहीं देख पा रहे हैं वो इतना अच्छे आदमी उनकी भी फैमिली है उनके भी बच्चे हैं उनकी उनको उन पे क्या बीत रही होगी जब हम पे इतना बीत रहे हैं हमें हम वो हम थोड़े से अटैच होने पे उनसे इतना प्यार करते हैं वो खुद पे क्या बीत रही होगी हम समझ सकते हैं हम ना चाहते हुए भी इन बच्चों को लेके आए हैं हम नहीं चाहते थे इनको इन्वॉल्व करना बट हम आँख बंद करके नहीं देख सकते किसी के मतलब एक इनोसेंट आदमी जिनको पूरा दुनिया ऐसा बोल रही है मतलब अब हमसे ज्यादा आपको क्या सबूत मिलेगा हमसे ज्यादा आपको क्या कौन बता पाएगा हम बता रहे हैं आपको सच्चाई बता रहे हैं हमें कोई यहाँ पे फोर्स नहीं कर रहा है हम सच्चाई बता रहे हैं और हम पापोन सर के साथ है वी लव पापोन सर नमस्कार মই মানসী চহৰীয়া আপোনালোকে মোক সবে চিনি পায় আৰু সেইদিনা ঘটনাটোত মই আছিলোঁ আৰু গোটেই ফ্ৰেণ্ডছ আছিলে আসলে সবে আর দেউতা মা গোটে প্যারেন্টস সকল আসলে আর মোর স্যার সকল আছে গুরু সকল সবাই আসলে তাত আর মানে পাপন স্যার সকল লড়ালীক ইমান মরম করে ইমান ভালকে মানে তেও টিমত নহলেও সবকে নিজের টিমর ছালী বলে ইয়া ভালকে শিকা দেও সবকে তাৰমানে একে সমানে মরম করে আর মোকো সেদিনা তেও ইমান বেয়াকে মোক মরম করা নাছিলে তেও অকল মোক এনেই মরম করেছিল অকমান নিজের ছালী বলে কারণ আমার সকলে দেউতার নিচিনা পাপন স্যার আর নিজের নিজের বলে ইমান মরম করে ময়ও আর ইমান ধুনিয়াকে মোক মরম করে ইমান ধুনিয়াকে শিকায় সেটা আপনাদের বহুত বেয়া ভুল ভাবিছে কারণ একদম হওয়া নাছিলে সেদিন সকল তাত আসলে সেইটো মানে আপোনালোকে বেয়া মই পাপন স্যার বেয়া মন্তব্য করেছে আপনাদের তো সেইটো করব নালাগে কারণ সেইটো হওয়াই নাছিল তাতে সকলে জানে তাতে সকলে দেখিছিলে আর সেটা ভুল হয়েছে মো আপনাদের অনুরোধ জানাইছো যে সেটা আপনাদের বেয়াকে ভাবিছে আর আপনাদের মতলব পাপন স্যারক ইমান বেয়াকে মোর হেৰি পাপন স্যারক আর মোক ইমান বেয়াকে আপনাদের ভুল বুঝিছে সেটা নুবুঝিব কারণ আমি সকলে দেখিছিল তাত আমি মতলব কি কম কি আছিল আমি এইটো কোৱা যে ইট ওয়াজ
ये बहुत ही कैजुअली हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे होली, और उस दिन होली की एपिसोड हुआ था हम लोगों का, तो होली की एपिसोड में हम लोग पापोन सर के पास सब लोग बच्चे पेरेंट्स सब लोग गए थे, तो वहाँ पे लाइव आए हम लोग फेसबुक में, सब लोग मस्ती कर रहा था और गाने में डांस कर रहा था, तो पापोन सर ने सब लोगों ने देखा, कुछ भी गलत नहीं किया पापोन सर ने, सिर्फ मुझे मतलब एक बच्ची की तरह, तो पापा भी मुझे किस देते हैं, मेरी मम्मी भी, सब लोग यहाँ पे जो भी पेरेंट्स हैं सब लोग सब बच्चे को प्यार करते हैं और सबको करेंगे ये सब लोग, इसका गलत मतलब नहीं है और आप लोग गलत मत समझिए प्लीज। और मैं भी एक बात कहना चाहती हूँ, मैं इसीलिए पापोन सर को डिफेंड नहीं कर रही हूँ कि वो मेरे मेंटर है, अगर वो मेरे मेंटर नहीं भी होते, मेरे कोच नहीं भी होते, मैं फिर भी डिफेंड करती, क्योंकि वो है ही ऐसे एक गॉडली पर्सनैलिटी, और मतलब वो मेरे ब्रदर फादर, मतलब उन्होंने मुझे ऐसा फील करने दिया कि मेरे यहाँ पे भाई नहीं है कोई नहीं, उन्होंने मुझे इतना प्यार किया और मुझे मतलब ऐसे गाइड भी किया, और मुझे मैं 100% श्योर हूँ कि उनकी ऐसी गलत इंटेंशन हो ही नहीं सकती, और मुझे बहुत बुरा लगा कि आप लोगों ने इतने अच्छे एक इंसान पे इतना गंदा सवाल उठाया, सीरियसली आपने मानसी से भी नहीं पूछा, आपने हम बच्चों से भी नहीं पूछा, और आपने डायरेक्ट से ब्लेम कर दिया, बहुत बुरा लगा। हम लोग सब लोग ये इसलिए वीडियो बना रहे हैं कि आप लोग ये समझे कि वो गलत नहीं है और उन पर ये एलिगेशन ना लगाएं प्लीज। हम लोग द वॉइस इंडिया किड्स की आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उन पर ऐसा एलिगेशन ना लगाएं, एंड सभी लोग ये कहना चाहते हैं कि सर गलत नहीं है, सर गलत बिल्कुल नहीं है, एंड वी लव यू पैपॉन सर, वी लव यू सो मच, अभी दो दिन से एकदम इधर कोई प्रैक्टिस करना है कुछ करना है बिना हराम कर दिया है, ऐसे हो गया है माहौल तो बहुत खराब हो गया है, अभी हम लोग का कोई उपाय नहीं है, क्या हो रहा है इधर में, ऐसा मत कीजिए माहौल, और हमारे में कोई भेदभाव नहीं है, ये बंगाल से है, ये आसाम से है, मैं उत्तराखंड से हूँ, हम यहाँ पे सब ऐसा फैमिली की तरह हैं, लोग सब लोग इस फैमिली की जैसे हैं, प्लीज इस फैमिली को आप लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तोड़ने इससे टूट सकती है फैमिली, इससे बच्चों की सिंगिंग पे बच्चों के करियर पे थोड़ा अफेक्ट हो सकता है, इस वजह से प्लीज आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज उन पर ऐसा एलिगेशन ना लगाएं, क्योंकि उन पर अगर ऐसा एलिगेशन लगेगा तो हम लोग को भी बहुत दुख होगा और ये प्रेशर बनेगा हम लोग के ऊपर और हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ, आसिन वो अंकल बोल रहे हैं, नमस्ते इंडिया वाले, मैं सुभाष रे वेस्ट बंगाल से, नीलांजना का पापा, तो पापोन सर के ऊपर जो ब्लेम आ रहा है विभिन्न डिफरेंट न्यूज़ चैनल में जो आ रहा है ये एकदम गलत बात है, तो ये एकदम सही नहीं है, तो इसको क्यों बोलूँ ये सही नहीं है, ये बोलने के लिए मुझे 4-5 महीना पीछे जाना होगा, हम लोग सितंबर का लास्ट में यहाँ आया सब लोग, 4-5 महीना में हम लोगों को क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ, हम कैसे यहाँ रहता है, वो चैनल वाला प्रोडक्शन वाला यहाँ एकोमोडेशन कैसा है, कैसा बिहेव करता है हम लोगों के साथ, मैं तो पहला दिन से यहाँ हूँ, सब गार्जियनी है, तो ये मुझे थोड़ा बोलना होगा आपको, आपको मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ, जब हम लोग एक साथ 4-5 महीने से यहाँ हूँ और यहाँ जो अरेंजमेंट है जो एकोमोडेशन है बहुत अच्छा है, इस चैनल वाला का जो रूल्स है ये सब बच्चों को साथ अगर बाहर कोई ले जाए तो एक गार्जियन मस्ट उसके साथ अटेंड करना होगा, रहना पड़ेगा, ऐसा है हम लोग जब सेट का अंदर जाता है तब भी एक गार्जियन हर टाइम हम लोग एक साथ रहता है, ये होता है, ये इसका अरेंजमेंट, इसका जो काम करने का जो तरीका ये सब ये है, तो इसलिए इसके लिए हम लोग सब गार्जियन एकदम इम्प्रेस्ड है, हम लोग बहुत हैप्पी है सबको ऊपर, जो यहाँ पे जो कोच है 4 कोच है
चार उसके बाहर और तीन ग्रूमर है एक साथ, हम ऐसा हम लोगों का बॉन्डिंग हो गया, ऐसा बॉन्डिंग हो गया। हाँ तो एक सब बच्चा हम लोग एक पिता पुत्री का जो जैसा रिलेशन है, पिता पुत्रों का जैसा रिलेशन है, सबके साथ ऐसा है, सिर्फ गार्जियन के साथ नहीं, जो जो कोचेज है, जो ग्रूमर है, जो प्रोडक्शन वाले है, क्रिएटिव वाले चैनल का सब लोग इतना अच्छा है। हाँ, ये हम लोग, ये मैं हेल्प करके बोलना चाहता हूँ आप सब लोगों को, जो इधर बहुत अच्छा है। हम लोग देखिए सब बच्चे बच्चे लोग हैं, ये सब करियर बनाने के लिए सब आपका आशीर्वाद चाहिए सब लोगों को। यहाँ आया है हम लोग सर 5-6 महीने से यहाँ पे है, बच्चे को पढ़ाई थोड़ा सेक्रीफाइस करके यहाँ कोशिश कर रहे, तो उस कुछ बने सिंगर जी, क्योंकि वो लोग वो बच्चे सिंगर बनना चाहते हैं। ये आप लोगों को मदद करना चाहिए, जो वो लोग को सिंगर बनने के लिए आप लोग ब्लेसिंग्स दीजिए, आप लोग उसके सपोर्ट कीजिए प्लीज। ऐसा वो जो आप लोग, ये नॉर्मल है, जब आप लोग ऐसा देखता है वो टीवी पे थोड़ा इतना सा एक वीडियो क्लिपिंग देख रहा है, तो हम लोग इतना दिन से ऐसा बॉन्डिंग हो गया हम लोग का, इतना ओपोड़ा वाला आके हो जो गॉड आके हो हम लोगों को बोलेगा जे पापोन सर ऐसा किया, साल सर ऐसा किया, बल्लभ माम ऐसा किया, हिमेश सर ऐसा किया, वो चैनल का दूसरे लोग ऐसा ऐसा किया, मैं ये रिलाई नहीं करूंगा, क्योंकि इतना अच्छा रिलेशन है एक पापा के साथ एक डॉटर का, जो रिलेशन यहाँ पे ऐसा रिलेशन है। फिर भी चैनल वाला जो प्रोडक्शन वाला जो लोग है ये सब हम एक साथ, वो ऐसा बोलता है कि नहीं सर आप लोगों को बच्चे के साथ एक साथ रहना होगा, एक हम लोगों को छोड़कर बच्चे का कोई नहीं ले जा सकते, ये लोग नहीं जाता है। तो सर इंडिया वाले मेरा आपको रिक्वेस्ट ये है, ये पप्पू सर को ऊपर जो ब्लेम आ रहा है प्लीज ये मत सोचिए, ये आपसे ठीक नहीं है, ये गलत है एकदम। पापोन सर इतना अच्छा आदमी है, और सब सर इतना कोचेस, सब घुमार, सब लोग इतना अच्छा है, हम लोग का इतना बड़ा बॉन्डिंग हो गया है। ये बहुत हार्ड हुआ सर हम लोग सब, तो हम लोग को ऊपर मैं पेरेंट्स होके मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ सर, हम लोगों को ये सब मत वो गलत सोचिए, पापोन सर बहुत अच्छा है, आप सही सोचिए, बच्चे को मौका दीजिए ये और आगे बढ़े, इतने दिन आप टॉप 6 में है सब बच्चे, जो जो बच्चा आया सब बच्चा अच्छा गा रहा था, अभी टॉप 6 में है, ये बच्चे को करियर बनाने के लिए आप लोगों का मदद चाहिए, ये सर सब लोग इंडिया वाले प्लीज। और मैं कहना चाहती हूँ कि हम सब जो बच्चे हैं, हम सब पापोन सर के लिए बस एक ही बात कहना चाहते हैं, दैट वी लव यू पापोन सर एंड वी आर ऑलवेज विद यू। एक चीज आज मैं ना चाहते हुए भी मुझे कमेंट्स करना पड़ा, और बहुत सारे लोगों ने मुझे ये लिखा हुआ था कि देखो पेरेंट्स कि आप लोग अपने बच्चे को रियलिटी शो में देखिए। सर ये जो बच्चे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये बच्चे 6 बच्चे नहीं आए हैं यहाँ पे, ये बहुत मेहनत करके आए हैं यहाँ पे, और बच्चे अपनी किस्मत लेके आए हैं। और आपको क्या लगता है हम पेरेंट्स बेवकूफ है जो इनको सपोर्ट करना हमारे बेवकूफी है, तो प्लीज ऐसा मत बोलिए। हमारे सब पेरेंट्स तो यही चाहता है ना जो उसके बच्चे अच्छे आगे बढ़े, एट दी एंड हम सब ये कहना चाहते हैं कि प्लीज ये सब जो भी हो रहा है इसको स्टॉप कीजिए। पप्पू सर बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, उनके बारे में ऐसा मत फैलाइए, और हम सब के रिक्वेस्ट है, सभी रिक्वेस्ट करते हैं, हम लोग सभी लोग रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग प्लीज ऐसा ना करें, और बच्चे को मौका दीजिए आगे बढ़ाने के लिए बस सर। And we love you, PAPON sir. We love you, PAPON sir. Love you, India. Love you, India. India वाले. अब सब लोगों का. और अपना बहुत-बहुत आशीर्वाद कीजिए ताकि हम आगे जाओ और बहुत अच्छा गाना गाओ. We love you, PAPON sir. We love you, India. We love India. We love India वाले बस. Thank you. Thank you.